अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों आज हमारे पास है मोटोरोला का मोटो जी फाइव एस प्लस और आज हम इस फोन का बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस फोन की बैटरी आपको कितनी देर तक बैकअप दे सकती है। तो सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि चार्ज 100% है अभी हमारे फोन में और वाईफाई कनेक्ट कर देते हैं और ब्राइटनेस को फुल कर दिया मैंने, 100% बैटरी चार्ज है। हम लोग के फ़ोन में अभी कोई भी गेम वगैरह कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले कुछ गेम इसमें डाउनलोड किया जाए, तो सबसे पहले कुछ गेम डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी गेम डाउनलोड कर लिए हैं इसमें, अब इसको खेलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबवे सफ़र खेलते हैं। चलिए अब थोड़ी रेसिंग हो जाए, रेसिंग गेम खेल लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब एक और नया गेम हो जाए। ये गेम काफी मुझे पसंद है दोस्तों और ये गेम मैं बहुत खेलता हूँ। तो दोस्तों 2:18 हो रहे हैं अभी, तो अगर आप अभी देखेंगे फ़ोन में तो 86% चार्ज अभी बचा हुआ है। इनमें हम लोगों ने आधे घंटे की गेमिंग की है और 5-6 गेम हम लोगों ने डाउनलोड किए हैं। अब थोड़ा YouTube खोलते हैं और उसमें देखते हैं कुछ वीडियो वगैरह। चलिए YouTube पे ऑनलाइन एक मूवी देखी जाए। दोस्तों तो मूवी देखते हुए हमें 1 घंटा लगभग हो गया है और अभी तक हम कंटिन्यू मूवी देख रहे हैं। अभी देख सकते 3:26 हो रहा है, 1 घंटे तक हम देख लिए हैं और अभी बैटरी परसेंटेज 9% बैटरी बची हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी 69% बैटरी बची हुई है। पूरी मूवी देखते हैं फिर आपको बताते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों मूवी लगभग ख़त्म होने वाली है, 2:26 की ये मूवी थी। अब देख लेते हैं मूवी ख़त्म होने के बाद कितना परसेंट चार्ज बचता है, वो आपको दिखा देते हैं मूवी ख़त्म होने के बाद। तो दोस्तों फाइनली मूवी जो है ख़त्म हो गई है और अब दिखा देते हैं आपको, ये मूवी हम लोगों ने YouTube पे देखा, अब दिखा देते हैं आपको चार्ज कितना बचा हुआ है। मूवी दोस्तों आप लोगों को दिखा देते हैं, 2:26 की ये मूवी थी, ये भी आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं 2:26 की मूवी है, तो ये पूरी मूवी हम लोगों ने YouTube पे देखी। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी चार्ज जो है 47% है। दोस्तों आप टाइम देख सकते हैं अभी 4:56 हुआ है। चलिए कुछ गेम खेला जाए। दोस्तों 5:37 हो रहे हैं और आधे घंटे तक लगभग हम लोगों ने फिर से गेमिंग की और अभी आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं आप 35% बैटरी अभी भी बची हुई है। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने कुछ और ऐप यहाँ पे डाउनलोड किया है, वो दिखा देते हैं आपको। उनमें से अभी मैंने अमेज़न प्राइम डाउनलोड किया, हॉटस्टार और सोनी लाइव डाउनलोड किया है। अमेज़न प्राइम पे मेरा प्रीमियम अकाउंट है तो चलिए इसमें एक मूवी देखते हैं। चलिए भूमि मूवी देखते हैं। दोस्तों 5:48 हो गया, अमेज़न प्राइम पे हम लोग अभी देख रहे हैं मूवी भूमि। काफ़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ पे अमेज़न प्राइम पे वीडियो देखा, मूवी देखा। अब आपको दिखा देते हैं 7:01 हो गए हैं और अब आपको चार्ज दिखा देते हैं फ़ोन में कितना है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारा फ़ोन जो है 10% चार्ज आ गया है। तो अब देख लेते हैं कि हम लोग को यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिला है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो स्क्रीन ऑन टाइम हम लोग को मिला है 5:23 का, हम लोग को स्क्रीन ऑन टाइम मिला है लगभग 5:24 का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। और अगर हम बात करें यूजेस की तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो यूज़ किया है इसमें, सबसे पहले हम लोगों ने इसमें वाईफाई से गेम डाउनलोड किया था, 5-6 गेम थे, कुछ एप्लीकेशन हैं यहाँ पे, ये सारे हम लोगों ने वाईफाई पे डाउनलोड किए थे। और उसके बाद हम लोगों ने आधे घंटे तक या उससे थोड़ा ज़्यादा गेम खेला। वो गेम खेलने के बाद दोस्तों हम लोगों ने यूट्यूब पर एक मूवी देखी, 2:26 की वो मूवी थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने आधा घंटा गेमिंग की और उसके बाद फिर हम लोगों ने अमेज़न प्राइम वीडियो में मूवी देखी एक। तो टोटल हम लोगों ने
यहाँ पे यूज किया है उसमें हम लोग को स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। टोटल उसमें हम लोग को 5 घंटा 25 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। आप देख सकते हैं अभी 5 घंटा 25 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है और अभी बैटरी परसेंटेज हमारी है 10% बची हुई। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई तो ये आपको पसंद आएगी और आपको आइडिया लग गया होगा कि इस फ़ोन में आपको कितना आवर का बैटरी बैकअप मिल सकता है।